Hi everyone, this is Anjali. Welcome to my channel. And today I'm going to start with the course which was most awaited. आप लोग बहुत बार मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हो कि मैम BCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करा दो. सो येस, दिस इज द टाइम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द BCA एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन. एंड अभी डिले इसलिए था क्योंकि देखो, जब तक 12th के एग्जाम्स नहीं होंगे ना, तब तक BCA का एंट्रेंस भी नहीं होगा. ठीक है, लास्ट ईयर भी BCA एंट्रेंस एग्जाम जो था IP यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ. बाकी आपके एरिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यू कैन चेक कि उनके एंट्रेंस एग्जाम कब हैं. पर GGS IPU, दैट इज़ योर IP यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली, गुड़गांव, NCR में जिसके कॉलेजेस हैं, इनका जो हमारा एग्जाम है वो सितंबर में हुआ था. लास्ट ईयर भी इट वॉज डिलेड. जिस एग्जाम को हम CET कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, राइट. सो आप में से जो भी लोग BCA करने में इंटरेस्टेड हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BCA एंट्रेंस एग्जाम फॉर GGS IPU या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी, सो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए आपके पास तीन चार चीज़ें हैं जो सिलेबस में दी जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हो. एक होता है कंप्यूटर अवेयरनेस. ठीक है, सो कंप्यूटर अवेयरनेस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स. सेकंड थिंग इज मैथमेटिक्स. जो 12th वाला मैथ्स होता है आपका, उसमें से काफ़ी टॉपिक्स मैथ्स के इसमें लिए जाते हैं. वो आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके क्लियरली मिल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, कौन से नहीं हैं. सम यूनिवर्सिटीज ऑल्सो टेक टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड GK एंड रीजनिंग. सो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. ठीक है, हम जो प्रिपेयर करेंगे, वी विल बी प्रिपेयरिंग एज पर IPU CET. सो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगी, लेकिन सिर्फ इस पार्ट की, बिकॉज 12th का मैथ्स मुझे खुद को नहीं आता इतना अच्छे से. बट आई कैन डू वन थिंग कि मैं इसके लिए आपके क्विजेस जरूर रख सकती हूँ. सो वी विल बी कीपिंग क्विजेस. सो आई कैन कीप क्विज फॉर दीज बिकॉज आई हैव गॉट ऑल द बुक्स एंड ऑल. आप भी बाय कर सकते हो. अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें पिछले साल के पेपर्स भी होते हैं CET के, आपको अमेजोन से मिल जाएगी. इफ़ यू वॉन्ट आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक्स फॉर द सेम. सो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस में अब क्या क्या आ जाता है. जब आप कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करते हो तो अवेयरनेस तो इज़ वेरी वाइड टर्म ना, बहुत चीज़ें आ जाती हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में. सो पहली चीज़ आती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जिसके अंदर आपको ये समझना है कि कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है नंबर सिस्टम, जिसमें चार तरह के नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में होते हैं, उनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं. ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाता है. वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर, कॉम्प्लीमेंट्स, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है. ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर कवर करनी है. दैट कम्स अंडर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. देन कम्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ बेसिक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. देन वी हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसके बारे में आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए थ्योरेटिकल, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगी. देन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में भी पता होना चाहिए, कंप्यूटर्स में लेटेस्ट क्या आ रहा है वो भी पता होना चाहिए, कंप्यूटर की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए. सो वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एज वेल एज द लेटेस्ट स्टफ, यू शुड नो अबाउट दैट. इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट बेसिक्स फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स. तो ये कुछ गिनी हुई चीज़ें हैं जिसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इन योर कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन. ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे. देखो, मैं अभी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी. ठीक है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आई विल बी पुटिंग द वीडियोस. ठीक है, जो मेरे पास दूसरे कोर्सेज हैं, जैसे मैंने अभी एक कोर्स शुरू किया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है जब आप BCA करोगे, और उसमें से कुछ टॉपिक्स ही आपको अवेयरनेस में करने हैं. तो मैं वो जो वीडियोज़ अपलोड करूँगी, आई विल बी एडिंग दोज वीडियोज इन द सेम प्लेलिस्ट. तो आपको जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, आपको उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस एडेड हैं वो सारी देखनी है. सो ऐसा नहीं है कि वो अलग से मैं BCA करके BCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उसको अलग से अपलोड करूंगी. आई विल बी अपलोडिंग इट एज पर अ सब्जेक्ट, बट आई विल एडेड इन द प्लेलिस्ट फॉर द BCA प्रिपरेशन 2021. सो BCA प्रिपरेशन 2021 में जो भी वीडियोज होंगी वो आपको देखनी है. यू हैव टू प्रिपेयर दोज
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पढ़ तो हम लेंगे लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है. सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. सो प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस इज वेरी इम्पोर्टेंट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एवरी संडे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, दिस इज मई ख़त्म हो रहा है, हमारे पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, तो कम से कम 3 महीने तो हैं, सेप्टेम्बर में अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है. सो ये 3 मंथ्स हमारे पास हैं. सो आई वुड बी ट्राइंग दिस थिंग दैट एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे, ठीक है, आई विल बी कीपिंग अ क्विज MCQ का. सो हम एक क्विज रखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें क्योंकि पेपर में तो MCQs ही आते हैं, तो आई विल बी गिविंग यू लाइक 1 घंटे में हम कम से कम 25-30 क्वेश्चंस तो कर ही पाएंगे. सो वी विल बी कीपिंग दैट 25-30 क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि आप क्या कर सको, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको. तो आपको वहाँ पर आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी. अब वो क्विज हम कहाँ रखेंगे वो मैं आपको बता दूंगी. आई एम जस्ट ट्राइंग सम ऑप्शंस लाइक इधर कहूट या फिर वो मेंटी क्विज है. अगर इसमें मेरा कुछ नहीं सही से सेट हो पाया तो आई विल कीप ऑन अन अकेडमी, तो आप वहाँ पर आकर भी मेरा लाइव क्विज हैंडल कर सकते हो. दैट इज़ ऑल फ्री. सो सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ पे नहीं करना है आपको. सो वहाँ पर हम अपना क्विज करेंगे ताकि हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज दिस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम जस्ट चेकिंग आउट द सब्सक्रिप्शन फॉर एनी ऑफ दीज ताकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस डाल सकूं. सो लेट मी वर्क आउट विद दिस, वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी. बट येस, एवरी सैटरडे संडे वी विल बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, एंड पूरा वीक आपको एक ना एक वीडियो प्लेलिस्ट में जरूर ऐड हो जाएगी हर रोज, ताकि आप साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते रहो. बाकी नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, वहाँ से आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो BCA एंड BTech वाले ग्रुप में. तो जो भी डाउट्स हैं वो आप वहाँ से शेयर कर सकते हो, कुछ पूछना है तो वहाँ पे पूछ सकते हो. अदर देन दैट माय इंस्टाग्राम हैंडल इज आल्सो गिवन, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है. यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, और कमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो. और भी कुछ दिमाग में चल रहा है तो यू कैन आस्क मी. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट अ लेट्स कनेक्ट सेशन, नॉट श्योर कितनी बार, बट आई विल ट्राई. वंस अ वीक आई विल बी कमिंग लाइव, सो दैट उसमें हम कुछ भी पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, ठीक है. जो भी आपके दिमाग में टेंशन्स हैं कि आगे जाके क्या करना है, या अभी टाइम मैनेज नहीं हो रहा, या कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं है, सो व्हाटएवर. सो वी विल जस्ट हैव लाइक लेट्स कनेक्ट, विल टॉक विद ईच अदर, ठीक है, आर हार्ट आउट. सो कुछ भी बात करनी है, कुछ भी डिस्कस करना है, वी विल बी डूइंग दैट. सो दिस इज माई विश. मैं सच में चाहती हूँ एक ऐसा सेशन हफ्ते में हर बार आप लोगों के साथ रखना, ताकि हम लोग और ज़्यादा कनेक्टेड फील करें. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. बट येस, सो BCA एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ, और उस प्लेलिस्ट में जो भी रोज़ वीडियो अपलोड होगी उसको आपको अच्छे से देखना है. सैटरडे संडे वी विल बी प्रैक्टिसिंग दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है. हैप्पी नाउ. सो अभी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने कल अपलोड करी थी, उसको मैं सीरीज में ऐड कर दूंगी. दैट इज़ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अभी शुरू में जितनी भी वीडियोज़ अपलोड होंगी वो सारी आपको देखनी है. सो येप, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको समझ आ गया है. मैथ्स वगैरह के लिए जितनी मुझसे हेल्प बन पड़ेगी मैं ज़रूर करूँगी, पर आप अन अकेडमी पर ही क्या कर सकते हो, मैथ्स 12th के लिए ना फ्री क्लासेस भी होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप अन अकेडमी पर आओ तो मेरा नाम अंजलि लूथरा आपको यूज़ करना पड़ेगा टू अनलॉक द फ्री क्लासेस, ठीक है. तो अगर मैथ्स की आपको क्लास अटेंड करनी है तो आप टॉपिक्स देख लो आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं जो आने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है. और आपके पास अरिहंत की बुक होगी, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो अटेंड द फ्री क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी पे, ठीक है. फ्री क्लासेस अटेंड करो, कंसेप्ट समझ आ जाएगा. मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स तो मैं भी करा दूंगी, पर बाकी जो सब कुछ है इंटीग्रेशन एंड द अदर थिंग्स, सो उसके लिए यू हैव टू लुक फॉर अ मैथ्स टीचर. बाय फॉर नाउ. That's it for this video. I hope the whole series will be useful to you. और आप लोग अच्छे से अपना रैंक लाओगे, BCA करोगे, ताकि अगले 3 साल भी हम लोग एक साथ पढ़ाई करें. BCA के सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको अपने चैनल पे कराऊंगी. And yeah, that is it for this video. Take care and stay safe.